दोस्तों, क्या आप जानते हैं 10 ऐसे जानवरों के बारे में जो बिना भोजन के महीनों तक जीवित रह सकते हैं। ये जानवर असाधारण जीवित रहने की रणनीतियों का प्रदर्शन करते हैं और कठोर वातावरण में अद्वितीय अनुकूलन और कुशल ऊर्जा का संरक्षण का उपयोग करके भोजन के बिना लंबे समय तक जीवित रहते हैं। आज की इस वीडियो में 10 ऐसे जानवरों के बारे में बताने जा रहे हैं जो महीनों तक बिना खाए पिए जीवित रह सकते हैं। नंबर 1, भालू। हाइबरनेशन के दौरान भालू महीनों तक अपनी जमा हुई चर्बी पर निर्भर रहते हैं। खाना छोड़ देते हैं क्योंकि उनकी शारीरिक कार्य प्रणाली काफी धीमी हो जाती है। यह एक मांसाहारी जंगली जानवर है जिसे मछली और शहद खाना बहुत पसंद होता है। भालू कभी झुंड पर नहीं होते, वह अकेले रहना पसंद करते हैं। इसकी उम्र लगभग 25 से 30 वर्ष तक होती है। ये काफी फुर्तीले होते हैं और आसानी से पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। इन्हें पानी में तैरना भी आता है और वह अपने बालों की वजह से आग से बहुत डरते हैं। नंबर 2, ऊंट। ये जल भंडारण के लिए प्रसिद्ध होते हैं और पोषण के लिए अपने कूबड़ में जमा वसा का पाचन करके लंबे समय तक भोजन के बिना भी रह सकते हैं। ऊंट शाकाहारी जानवर है और इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। यह भोजन या पानी के बिना 6 महीने तक जीवित रह सकते हैं। हालांकि गर्मी के महीने में जब तापमान 37 डिग्री के ऊपर हो जाता है तो अपनी खराब गुणवत्ता वाली सहन शक्ति के साथ पानी के बिना केवल 5 दिन तक जीवित रह सकते हैं। भारत में लगभग 80% ऊंट राजस्थान में पाए जाते हैं। नंबर 3, मगरमच्छ। ये सरीसृप निष्क्रिय अवधि के दौरान अपने पाचन को धीमा करके और ऊर्जा का संरक्षण करके महीनों तक जीवित रह सकते हैं। यह एक खतरनाक जीव है जो पानी और धरती दोनों जगह में रह सकते हैं। इसकी खाल मोटी और खुरदुरी होती है, आंखें उभरी और जबड़े मजबूत होते हैं। मगरमच्छ लगभग 240 मिलियन वर्षों से इस धरती पर रह रहे हैं। ये प्राणी डायनासोर के समय से अस्तित्व में है। यह एक मांसाहारी प्राणी है जो 30 साल से 70 साल तक जीवित रह सकता है। नंबर 4, रेगिस्तानी मेंढक। ये जमीन के अंदर बिल खोद कर रहते हैं। ये मेंढक रेगिस्तान में एक सुरक्षात्मक म्यूकस कोकीन में शीत निद्रा में रहकर भोजन के बिना वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। इसकी उभरी हुई आंखें, छोटे अंग, कुदाल जैसे पैर और जालीदार पैर की उंगलियां होती हैं। इसके नीचे की तरफ त्वचा का पारदर्शी क्षेत्र होता है जिसके माध्यम से इसके आंतरिक अंगों को भी देखा जा सकता है। इसका रंग पीला भूरा होता है और रेत अक्सर इसकी त्वचा पर चिपक जाती है। इसका जीवन काल 4 से 14 वर्ष के बीच होता है। नंबर 5, सम्राट पेंगुइन। दोस्तों, ये अंटार्कटिक में कठोर सर्दियों में जीवन यापन करते हैं और ये पक्षी प्रजनन और अंडे सेते समय 4 महीने तक बिना खाए पिए जीवित रहते हैं। ये सभी जीवित पेंगुइन प्रजातियों में सबसे लंबा और भारी है। ये नर मादा पंख और आकार में समान होते हैं, जिनकी लंबाई 100 सेंटीमीटर और वजन 22 से 45 किलोग्राम तक होता है। इनका मुख्य आहार मछली होती है। शिकार करते समय यह प्रजाति लगभग 20 मिनट तक पानी में डूबी रह सकती है और 535 मीटर की गहराई तक गोता लगा सकती है। नंबर 6, गैलापागोस कछुआ। ये अपने धीमे पाचन के साथ संग्रहित वसा का उपयोग करके बिना खाए पिए एक वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। यह 7 द्वीपों में पाया जाने वाला विश्व का सबसे बड़ा कछुआ है। इसका वजन 300 ग्राम और 4 फीट तक लंबा हो सकता है। इनका जीवन काल लगभग 100 से 150 वर्ष तक होता है। नंबर 7, हमिंग बर्ड। प्रतिदिन भोजन करते रहने और सुस्ती की स्थिति में ये अपने पाचन को धीमा करके भोजन के बिना जीवित रह सकते हैं। इन्हें गुंजन पक्षी कहा जाता है क्योंकि ये गुंजन या भिनभिनाने की आवाज निकालती हैं। इन पक्षियों की लंबाई 7.5 से 13 सेंटीमीटर तक होती है। यह पक्षी अमेरिका का मूल निवासी है। यह एकमात्र पक्षी है जो पीछे की ओर भी उड़ता है। इसके साथ साथ यह एक जगह हवा में खड़ा भी हो सकता है, जिसके कारण इसे हेलीकॉप्टर बर्ड भी कहा जाता है। नंबर 8, शार्क। ये मछली बड़े भोजन को खा लेती है जिसके पचने के बाद हफ्तों से लेकर महीनों तक बिना खाए पिए जीवित रह सकती है और यह मछली बिजली पैदा करती है। इसका शरीर बहुत लंबा होता है जो सलकों से ढका होता है। यह एक मांसाहारी प्राणी है। नंबर 9, सांप। बॉल पाइथन जैसे कुछ सांप अपनी पाचन दर और ऊर्जा की मांग को काफी कम करके भोजन के बिना लंबे समय तक जीवित रहते हैं। ये सरीसृप वर्ग के प्राणी हैं जो जल और थल दोनों में रह सकते हैं। सांप मेंढक, छिपकली, पक्षी, चूहे तथा दूसरे सांपों को भी खा लेते हैं। यह कभी कभी बड़े जंतुओं को भी निगल जाता है। ये अपने शरीर का तापमान स्वयं नियंत्रित कर सकते हैं। नंबर 10, टोरेंट यूला।
ये अर्चिन महीनों तक बिना खाए रह सकते हैं, क्योंकि जब ये अपने बिल पर आराम करते हैं तो इन्हें न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इन्हें भेड़िया मकड़ी भी कहा जाता है। ये बड़े आकार की मकड़ी होती है। इसकी लंबाई 19 मिलीमीटर के आसपास होती है। यह एक रात्रिचर प्रजाति है जो आमतौर पर शिकार की प्रतीक्षा में अपने बिलों के मुहाने पर दुबके रहते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। आपको इन जानवरों में सबसे अच्छा जानवर कौन सा लगा कमेंट में जरूर बताएं। और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।